अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपके लिए इस गाड़ी का रिव्यू लेके हमारे पीछे देख सकते हो। आज बेसिकली हम चिंगान मोटर्स पे मौजूद हैं और आज हम आपके लिए इस गाड़ी का रिव्यू करने आए हैं, वो है ओसान X7। काफ़ी स्पेशल किस्म की गाड़ी है और भाई प्रॉपर 7 सीटर है, आप इसे SUV कह सकते हो भाई। कमाल के फीचर्स हैं और मुझे काफ़ी खुशी होती है अगर पाकिस्तान में भी इस तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा इसी तरह अच्छी अच्छी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती रहेंगी। और आज हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले भाई लुक की बात करें तो लुक आप देख सकते हो क्या अट्रैक्टिव लुक है। इसके हेडलैम्प की तरफ आते हैं तो मैट्रस आपको इसमें LEDs दी गई हैं, उसके साथ साथ ऊपर से आपको साइटन सिग्नल मिलेगा। और बेसिकली इसका जो मेन हेडलैम्प है वो आपको नीचे दिया गया, जिसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मौजूद है। और पियानो ब्लैक फिनिश का काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से यूज़ किया गया, जो काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ आपको ये जो रेड दिया गया इसकी वजह से, और साइड पर भी आपको रेड दिया गया, इससे जो इसकी लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन के निकलती है। बाकी अगर हम इसकी साइड पे देखें और फ्रंट पे अराउंड द कार आपको ये मैट ब्लैक फिनिश दी गई, जो कि इसको एक प्रॉपर SUV वाली फीलिंग देती है। बाकी आते हैं अब इसकी ग्रिल की तरफ, तो आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं डुअल टोन के साथ है। आपको ये ब्लैक पियानो ब्लैक प्लस आपको ये क्रोम के दिए गए एलिमेंट्स, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस पर। और बेसिकली ये वेव डिज़ाइन में, जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। उसके साथ आपको क्रोम भी दिया गया, जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर रहा है। क्रोम के छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, उसके साथ साथ पियानो ब्लैक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। आजकल मैं देख रहा हूँ यार, जितनी भी गाड़ियाँ नहीं आ रही उनमें पियानो ब्लैक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसका चिंगान का लोगो मिल जाएगा। बाकी फुल लुक की बात करें तो यार बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। खासकर इसके जो अलॉय व्हील्स हैं 19 इंच के हैं और ये आपको आप कह सकते हैं ग्रे फिनिश पे दिए गए, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है अभी। बाकी लुक आप देख सकते हो। अब आते हैं साइड की रूप, तो साइड आप इसे कट देख सकते हैं, काफ़ी प्रनाउंस किस्म के आपको कट मिलेंगे। नीचे भी आपको यूँ स्लाइड सा कट दिया गया है और नीचे आपको ग्लाइडिंग, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। और भी उनकी तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं आपको साइटन सिग्नल, उसके साथ साथ नीचे पियानो ब्लैक दिया गया, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसके डोर हैंडल की तरफ आते हैं तो आपको स्मार्ट एंटी सिस्टम इसमें दिया गया, ओपन कर लेते हैं। यह कुछ इसके डोर की लुक, जैसे कि आप देख सकते हो आपको क्रोम के डोर हैंडल मिलेंगे। उसके साथ साथ पावर विंडोज़ आप देख सकते हैं, ये सारी ऑटो हैं। उसके साथ साथ आपको विंडो लॉक, डोर लॉक, अनलॉक का बटन मिलेगा, ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया। उसके साथ साथ आपको ये प्रॉपर लेदर में दिया गया और काफ़ी अच्छी स्टिचिंग, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। पियानो ब्लैक यार काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है गाड़ी में। उसके साथ साथ नीचे आपको बॉटल होल्डर, स्पीकर, और यहाँ पर भी आपको ओसान की बैजिंग दी गई है। और ये है कुछ इसका इंटीरियर, और यार इंटीरियर तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा इसका। बाकी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो काफ़ी स्पोर्टी टाइप इसकी लुक है, स्टिचिंग आपको रेड मिलेगी। उसके साथ साथ अंदर बैठेंगे तो आपको प्रॉपर इसके बारे में डिटेल देंगे। बाकी आप इसकी सीट्स वगैरह देख सकते हैं, ओपन करते हैं। बैक डोर की तरफ आते हैं तो आपको बैक डोर भी ओपन करके दिखा देते हैं। यह कुछ इसके बैक डोर की लुक, डुअल टोन के साथ है। आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ, ब्लैक प्लस आपको ये बेज के साथ मिलेगा। पियानो ब्लैक का यहाँ पे यूज़ किया गया और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इसके सिल्वर में, जो इसके डोर हैंडल दिए गए हैं। उसके साथ साथ नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर, और ये कुछ इसकी सीट्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स हैं। प्रॉपर 7 सीटर है आप देख सकते हैं, आपको पीछे भी सीट्स दी गई हैं। बाकी AC वाइंड पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए भी मौजूद है। बाकी आपको ज़रा इसका ऊपर से पैनोरामिक भी ओपन करके दिखाएंगे। बाकी नीचे आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। अब आते हैं कुछ इसकी बैक लुक की तरफ, तो यार बैक से तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। अब इसकी लाइट्स ऑन करूँगा तो आपको इसकी साइड लाइट्स दिखाऊंगा भी। बेसिकली ये पूरी एक लाइट काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करती है, जैसे ऑडी ई-ट्रॉन टाइप मुझे कुछ इसकी लुक लग रही है बैक से। बाकी यहाँ पे ओसान X7 की आपको बैजिंग मिल रही है, आपको 300T की बैजिंग मिल रही है। उसके साथ साथ नीचे आपको स्वॉप लैंप प्लस रिफ्लेक्टर दिए गए और बैक के पार्किंग सेंसर्स भी आपको दिए गए, जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ नीचे आ जाएं तो आप देख सकते हैं डिफ्यूज़र टाइप आपको दिया गया और डुअल एग्जॉस्ट पाइप, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको क्रोम के रिंग्स दिए गए हैं और यह कुछ इसकी बैक से फुल लुक। बैक पे वाइपर मौजूद है, बैक स्क्रीन में आपको डिफॉगर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर और मशहूर ज़माना शॉफ इन एंटीना। रूफ रिल्स आपको दी गई हैं, जो कि सिल्वर में दी गई हैं, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही हैं। बाकी चंगान की आपको यहाँ पे बैजिंग दी गई है। इस तरफ से भी आप कुछ फुल लुक देख सकते हैं इसकी। इसी केस में दो वेरिएंट आते हैं, एक जो है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं ये कंफर्ट वेरिएंट है, और इसमें एक फ्यूचर सेंस भी आता है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है। उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको दिए गए हैं। ये कम्फर्ट वेरिएंट है तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, बट सारे फीचर्स दिए गए। जैसे कि मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ जिनके बारे में मुझे पता है। एक तो भाई आप की से गाड़ी को, मिसाल के तौर पे आप कहीं भी ऑफिस में हो, कहीं भी हो, तो आप गाड़ी को की से स्टार्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप ऊपर बैठे हो और आपको यार मैंने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करनी है, AC वगैरह ऑन हो जाए, तो आप जैसी गाड़ी में बैठे तो आपको ठंडे AC की हवा लगे, तो इसलिए आप उधर से बैठ के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो।
बट इस वाले वर्जन में वो मौजूद नहीं है। ऑटो टेल गेट है उसमें, मतलब की से इसका टेल गेट ओपन हो जाएगा, वो भी इसके फ्यूचर सेंस वर्जन में मौजूद है, बट इतने नहीं है। बाकी ये है कुछ इसका लुक। अब आपको इसका बूट स्पेस ओपन करके दिखाते हैं भाई। इसमें आपको थोड़ी सी कंफर्ट वर्जन में मेहनत करनी पड़ेगी, जो इसका फ्यूचर सेंस वर्जन है उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसे आप ओपन कर सकते हैं। बाकी स्पेस की बात करें तो नीचे आपको टूल किट वगैरह इसमें दी गई है, और सीट आप जैसी बात है इजीली फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके अपने लगी स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह ये फोल्ड हो जाएंगी। बाकी लाइट मौजूद है। और स्पेस की बात करें तो अगर ये 5 सीटर है तो स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, अगर आपने इसको प्रॉपर 7 सीटर किया हुआ तो तब थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जैसी बात है भाई, 7 सीटर आप 7 सीटें आपकी बन जाती हैं तो फिर आपको थोड़ा सा तो भाई वो करना पड़ेगा। बाकी इसको आप मैन्युअली बंद करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको वही छुपा हुआ रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा, ओशान की बैजिंग यहाँ पे भी दी गई है, क्रोम के एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं जो काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आते हैं भाई साइड की तरफ, तो मैं आपको एक क्रोम की गार्निशिंग बताना भूल गया था, आप देख सकते हैं। और ये आपको ब्लैक पियानो ब्लैक यार काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉइलर के नीचे आपको पियानो ब्लैक दिया गया, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। बैक सीट पे आते हैं, तो बैक सीट पे पहले बैठ जाते हैं भाई, आपको कंफर्ट शम्फर्ट दिखाते हैं। ये है कुछ इसका इंटीरियर, और अगर बैक सीट पे बैठा हूँ, लेग स्पेस और हेड स्पेस तो भाई आपको पता है कि उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, लेग स्पेस और हेड स्पेस तो काफ़ी अच्छी है। बाकी इधर आपको एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। बाकी यहाँ से कुछ भाई इसके इंटीरियर की लुक, बाकी आगे चलते हैं वहाँ से आपको दिखाते हैं। एंट्री और एग्ज़िट जो है वो उसमें मसला नहीं है, काफ़ी अच्छा एंट्री और एग्ज़िट आपको मिल जाएगा भाई। यह है कोई इसका फ्रंट डोर, और ये है आपको इसका इंटीरियर मिल जाएगा, आप देख सकते हो। बाकी ये ड्राइवर साइड वाली साइड पे जाके बैठते हैं और आपको दिखाते हैं प्रॉपर से। इसका बर्ड ओपन कर लेते हैं और आपको इसका इंजन के स्पेक्स वगैरह बताते हैं। आ जा भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। भाई जान आ जाओ किधर गए। और भाई ये है इसका 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन, और अगर हम इसकी हॉर्स पावर की बात करें तो ये इंजन जो है 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। टॉप फिगर्स की बात करें तो 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है, जो ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। बाकी यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं, ब्लू कॉर्ड टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया, और पावर काफ़ी अच्छी है इसमें। और बीइंग अ 7 सीटर जैसी बात आपको पावर चाहिए होती है भाई, तो वो जहाँ पे भी आता है मतलब कि भाई आपको पावर तो अच्छी मिलने वाली है। बाकी फिर भी आपको 1.5 लीटर आपको हो गया, काफ़ी छोटा इंजन है इस गाड़ी के लिए, बट नहीं भाई इस गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छा इंजन है, अब वो काफ़ी अच्छी पावर देगा। बाकी अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, बॉइंट को बंद करते हैं भाई। हम आ चुके हैं ओशान X7 के इंटीरियर में, और बैठ के आपको लगता है वाकई भाई आप किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हो, काफ़ी मतलब आपको एक लग्जरी गाड़ी वाली फीलिंग आती है। आते हैं इसका स्टेयरिंग व्हील की तरफ, तो आप इसका स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो, प्रॉपर आपको स्टिचिंग के साथ दिया गया, और रेड में आपको इसकी स्टिचिंग मिलेगी। और यार फीलिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया, और डी शेप आपको जैसे कि आजकल हर गाड़ी में आता है वो आपको मिल रहा है। और यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, जो इसका फ्यूचर सेंस मींस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसमें आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा, इसमें मौजूद नहीं, जैसी बात है। उसके साथ साथ वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, और बाकी ये जो आपको सिल्वर दिया गया ना बटन्स के अराउंड, और ये यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव इसको लुक दे रहा है। बाकी एयरबैग्स की बात करें तो इस गाड़ी में 4 एयरबैग्स मौजूद हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है भाई। बाकी यहाँ पर आपको चिंगान की बैजिंग मिल जाएगी। इधर आ जाएँ तो भाई वाइपर के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, ऑटो हेडलैम्प्स इसमें मौजूद हैं। बाकी डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ भी आपको सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है, और ट्यूटर्स मौजूद हैं जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको दिए गए हैं। और यार फ्रंट जो इसका डैशबोर्ड है बहुत ही मतलब आपको कह सकते हैं एक एलिगेंट लुक दे रहा है। यहाँ पे आपको लेदर दिया गया है, उसके साथ साथ पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको एक काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन का आप कह सकते हैं भैया, आपको ग्रे फिनिश में लाइनिंग टेक्सचर दिया गया, जैसे मैं आपको क्रीप करके दिखाता हूं। बाकी यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, देख सकते हैं कप होल्डर्स मौजूद हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ब्रेक होल्ड फंक्शन, और ये बटन जो है बेसिकली अल्यूमिनियम के हैं, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी काफ़ी आपको मतलब अच्छी प्रीमियम लुक देते हैं। बाकी यहाँ पे आ जाए तो आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस गाड़ी को जैसी बात है भैया मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसकी आर्मरेस्ट काफ़ी अच्छी है, इसकी भी लुक है, यहाँ पे आपको मेटल में चिंगान लिखा हुआ मिल रहा है, काफ़ी ये भी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाएँ तो आपको USB पोर्ट मिल जाएंगे, उसके साथ 12 वोल्ट की आपको पोर्ट मिल जाएगी,
बाकी आप देख सकते हैं प्रॉपर लेदर में आपको दिया गया है ये भी। और ये सेंटर जो कंसोल है काफ़ी एलिगेंट, काफ़ी अच्छे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पियानो ब्लैक में बेसिकली ये दिया गया है और छोटे छोटे एलिमेंट है यहाँ पे सिल्वर के भी मौजूद हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी एसी की तरफ आते हैं तो भाई आप इसका देख सकते हैं, आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया भी, ऑन करके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। बाकी इसका जो एंड्रॉइड पैनल है वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, मीटर भी आपको इसकी लुक दिखाते हैं। मीटर इसका मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। बाकी इधर आ जाएँ, हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया, डाउनहिल असिस्ट आपको मिल जाएगा और ये रिटेक्टेबल इसके ओआरवीएम जो है उसके कंट्रोल्स हैं। और उसके ऊपर आ जाए तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट दी होगी और ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है आपको। उसके साथ साथ एसी वेंट पे भी आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक प्लस आपको सिल्वर दिया गया है, हर जगह आपको कंट्रास्ट मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। और बाकी यार इंडिया में बैठ के ना मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे मेरी जो फीलिंग है ना भाई, मुझे काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऑडी में इस तरह मतलब बड़े लेवल की गाड़ी में बैठा हूँ। मतलब आपको एक तो फील काफ़ी अच्छी आती है, बाकी इसका कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है। और मैंने जो इस गाड़ी के बारे में सुना है, इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, यही वजह है कि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेल भी हो रही है। जाहिर सी बात है भाई, कंपटीटर जैसे जैसे आ रहे हैं, क्लास बढ़ रही है, आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है, तो ये सीन है भाई कुछ। अभी जाते हैं, इसकी कील आते हैं और आपको इसका मीटर ये सारी चीज़ें ऑन करके दिखाते हैं। ये भाई स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी और आपको इसका मीटर दिखाता हूँ। मीटर यार काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है मुझे, आपको प्रॉपर डिजिटल दिया गया है, बेसिकली एनालॉग वो दिया जाता है, मुझे तो काफ़ी पसंद नहीं है भाई वो। ये आपको काफ़ी एक अट्रैक्टिव और एक से कोई स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग दे रहा है आपको। बाकी इस तरफ आपको आरपीएम मीटर, इस तरफ आपको स्पीडोमीटर दिया गया है और आपको फ्यूल इंडिकेशन और इस तरफ आपको हीट इंडिकेशन, मतलब सारी चीज़ें इस पर मौजूद हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रहा है। अब आते हैं इसके एंड्रॉयड पैनल की तरफ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ये इसका मेन, आपको इसका होम मिल जाएगा, सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। आप यहाँ से इसकी सारी चीज़ सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप स्पोर्ट्स मोड में देखें ये रेड हो गया है, इको मोड में करता हूँ तो ये ब्लू हो गया है। ये इसका बेसिकली आ गया कंफर्ट मोड, इसमें भी आपको सेटिंग मिल जाएंगी रेड इको। बाकी इधर आ जाते हैं, इसको बैक करते हैं और बाकी इसमें देखते हैं, नेविगेशन मौजूद है, कॉल एंड्रॉयड ऑटो आपको मिल जाएगा, बाकी म्यूज़िक वगैरह ओपन कर सकते हैं, पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स हैं, मीन्स आपको इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप इजीली यहां से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी आ जाते हैं इसके भाई एक क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ, तो मैं ऑटो कर देता हूँ इसको। ये देख सकते हैं आपको सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है, फ़ैन की हवा को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं आप, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसका टच मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा टच सेंसिटिव है ये। तो बाकी ये व्यूअर्स, इसका इंटीरियर आपको प्रॉपर डिटेल से दिखा दिया हुआ है। अब चलते हैं बाहर, आपको इसके लाइट्स वगैरह ऑन करके सारी चीज़ें दिखाते हैं। गाड़ी को बंद कर देते हैं, ऑन कर देते हैं इसकी लाइट्स को। अब चलते हैं फ्रंट पर, आपको इसकी लाइट्स वगैरह दिखाते हैं सारी ऑन करके। सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आप देख सकते हो इसका इंडिकेटर, नीचे आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन से भाई ये चलता है। ये इसका स्टोर रूम पे आप देख सकते हैं साइड टर्न सिग्नल, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रहा है। खास इसकी जो चीज़ है वही भाई इसकी ब्रेक लाइट है, ये आप देख सकते हो यार बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही है। और ये जो पूरी आपको लाइट मिल रही है काफ़ी आपको ऑडी स्टाइल ईट्रोन में होता है जैसे, उस स्टाइल की आपको लुक प्रोवाइड कर रही है। आप देख सकते हो ऊपर आपको स्टॉप लैम्प दिया गया, यार बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है। बाकी व्यूअर्स ये थी कुछ गाड़ी, उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया। अगर रिव्यू पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बाकी आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं। और लास्ट चीज़ इसकी प्राइस, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस की बात कर लेते हैं भाई, पोशान X7 जो कम्फर्ट वर्जन की प्राइस है ना वो है 71 लाख रुपीज़। और फ्यूचर सेंस की बात करें जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है उसकी जो प्राइस है 76 लाख रुपीज़ उसकी प्राइस है। और अब बात कर लेते हैं जो स्पेशल ऑफर इस पर चल रही है, अगर ये गाड़ी आप आज बुक कराते हैं फुल प्राइस पे, मींस आप अभी फुल पेमेंट करके जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैंने बुक करवानी है गाड़ी, तो आपको विद इन 1 मंथ मतलब आपको 1 महीने के अंदर ये गाड़ी मिल जाएगी। जो कि मैंने तो नहीं आज तक ये चीज़ सुनी, क्योंकि यार आपको मिनिमम भी जो टाइम है ना वो 4 से 5 मंथ का तो मिलता ही मिलता है। और आपको पता है आजकल लोन वाला चक्कर है वो तो भाई एक अजीब ही चीज़ है, मतलब 25 से 30 दिन में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। और आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको एक SUV 25 से 30 दिन में मिल जाएगी अगर फुल पेमेंट करवाते हैं। और प्राइस भी ठीक है, अच्छी है, मतलब गाड़ी जस्टिफाई कर रही है अपनी प्राइस को, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको फीचर्स काफ़ी कमाल कमाल के मिल रहे हैं। अगर आप मतलब टॉप ऑफ द चीज़ लेना चाहते हो, आप चाहते हो सारे फीचर्स आपको मिले, तो भाई आप इसकी जो फ्यूचर सेंस वेरिएंट है वो आप बाई कर सकते हो। उसमें आपको एक तो मुझे जो इसका सबसे आला फीचर लगा है वो है भाई कि मतलब आप की से ही ना गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, वो एक चीज़ इसकी बड़ी अच्छी है। और टेल गेट उसका ऑटो है, आप वो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो बटन से, भाई उसको जोर लगा के खोलना और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। बाकी यार गाड़ी बहुत अच्छी है,
तो इसीलिए मुझे, मैंने काफ़ी दिन से देख रहा था, मैं सोचा था इसका रिव्यू करूँगा, बट टाइम नहीं मिल रहा था और मुझे शोरूम का भी नहीं आइडिया था कहाँ पे। तो मैंने कल रात को मैंने कहा भाई पूरी रिसर्च की कहाँ पे शोरूम, तो मैंने आज आके इसका रिव्यू किया। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलें आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट रिव्यू मिलते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।